समझ नहीं रहे हो, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, इनके सामने। अरे कहाँ जा रहे हो, तुम पागल हो क्या? ये किसका बच्चा उठा लाए? इसमें किसी का बच्चा नहीं है, देख देख खाली है। खाली है तो फिर हमारे किस काम का? वहाँ भी तो बेकार ही पड़ा था, कम से कम हमारे किसके तो काम आएगा। पीछे हटिए, पीछे हटिए आप लोग, आप लोग सर, हम झूठ नहीं बोल रहे, ये प्रेम वहाँ लवारिस पड़ा हुआ था। सोने सर, दोनों का फोन नंबर और एड्रेस लो। सर लाश का सर गायब है और बॉडी को कई टुकड़ों में काटकर इन बच्चों के कपड़ों में भरा गया है और प्रेम के निचले वाले हिस्से में डालकर बॉडी को यहाँ पे डंप किया गया। सर बॉडी को यहाँ गार्डन में लाकर डंप किया गया, तो किसी ने तो देखा होगा। सर सर गार्डन और गार्डन के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन लोगों से पूछताछ चल रही है, शायद किसी ने कुछ फिटनेस किया हो। बड़े को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। हो गए। नमस्कार आदाब, मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने करियर में कई मर्डर केसेस सॉल्व किए, लेकिन ये केस काफी लिहाज से अलग था। लाश को ठिकाने लगाने के लिए कोई प्रेम का इस्तेमाल करे, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और जो लाश हमें मिली थी वो मंजू शर्मा नाम की एक लड़की की थी। लाश को 22 टुकड़ों में काटा गया था और लाश का सर गायब था, लेकिन 3 महीने बाद भी हम उसकी पहचान पता नहीं कर पाए थे। अब ये केस बैकलॉग में चला गया, लेकिन 3 महीने बाद फिर से वही माहौल बना जिसने हम सबको हिला के रख दिया। नमस्ते भाई साहब, ये ना बच्चों के कपड़े हैं जी, एक से एक वैरायटी है जी मेरे पास, देखो आप। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। अरे भाई साहब एक ले लो ना, सुबह से ना बौनी तक नहीं हुई है जी मेरी, देखो तो सही कितने सोने कपड़े हैं। ये बच्चों के कपड़े बेच रही, देखो कुछ चाहिए तो तुम्हें। ये ना मेरे पास बच्चों के कपड़े हैं जी, एक से एक वैरायटी है, देखो ये तो गुड़िया पे बहुत ही फबेगा जी, कितनी प्यारी बच्ची है। और प्राइस क्या है? अरे आप प्राइस की टेंशन ना लो जी, एक काम करो आस पड़ोस वालों को भी बुला लो, ज्यादा लोग लेंगे ना तो दाम कम कर देना है। मैंने ये देखो जी बहन जी, एक से एक वैरायटी है मेरे पास, ये सारे कपड़े ना लुधियाना की फैक्ट्री से लेके आती हूँ जी मैं, ये कपड़े अगर आप मॉल में जाओगे ना 10 गुना ज्यादा रेट पे मिलेंगे आपको। देखो तो आप फैब्रिक नहीं देख रहे हो जी, देखो इसका कलर कितना सुंदर है, ये मैं माधव को ट्राई करवाती हूँ। बेटा मैं रोटी और ला रहा हूँ। अरे परमिला भाभी आपने तो पूरा मार्केट लगा दिया आज। अरे बहन जी तुसी भी देखो ना कितने सोने सोने पीस है ये। हाँ। देखो माँ आपके हाथ में कितनी अच्छी मेहंदी लगी है, मुझे भी ऐसी मेहंदी लगवानी है। दीदी स्कूल में मेहंदी लगवाना अलाउड नहीं है, टीचर डांटेगी। समर वेकेशन आ रही है तो मैं मेहंदी तो लगवा ही सकती हूँ, क्यों मम्मी? बिल्कुल बेटा, चलो आप जल्दी करो, माधव जल्दी ही लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए। चाबी ले ली तुमने? मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ले ली, चलो जल्दी चलो स्कूल के लिए लेट हो रहे, आओ जल्दी चलो माँ। आराम से हेलो चेक करो सर, वो लावारिस बैग पड़ा देखा तो यहाँ के लोगों ने कंट्रोल रूम में फोन किया, हमने चेक किया तो देखा ये बैग लाश के टुकड़ों से भरा पड़ा है। सर ये देखिए हाथों में मेहंदी लगी है, पक्का ये लाश किसी औरत की है, लेकिन सर इसका सर गायब है,
तीन महीने पहले हमें प्राइम में जिस औरत की कटी हुई लाश मिली थी उसका भी सर गायब था। सर मॉडस ऑपरेंडी सेम है लेकिन हम उस औरत की पहचान पता नहीं कर पाए थे और यहाँ भी क्रिमिनल ने इस औरत की पहचान पता करने का कोई क्लू नहीं छोड़ा। पापा पापा बोलो ना मम्मी कब आएगी? आ जाएंगी बेटा जल्दी आ जाएंगी। सर बॉडी को कई टुकड़ों में काटा गया है और सिर भी गायब है। सर तीन महीने पहले जो लाश हमें प्रेम में मिली थी उसको भी कई टुकड़ों में काटा गया था। उस बॉडी का और इस बॉडी का काटने का पैटर्न बिल्कुल सेम है। किसी छोटे हथियार से धीरे धीरे रेत कर काटा गया। यानी इस औरत का किलर और उस औरत का किलर एक ही हो सकता है जिसकी लाश हमें तीन महीने पहले मिली थी। एब्सोल्युटली। एक्सक्यूज मी। बोले यादव। सर साईनगर थाने में प्रमिला नाम की एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। सर कंप्लेंट उसके पति गोविंद ने दर्ज करवाई थी। इस गोविंद को बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर। लुधियाना से तो तू कल ही निकल गया था और तू अब घर आया है। कहां पर था इतनी देर से? था कुछ काम। क्या काम था? साला इतनी दूर तो टेम्पो चला के आया और ऊपर से तो सवाल जवाब शुरू कर रही है। फिर चाय बना दे, बहुत थक गया हूं मैं। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जा जाके ना मैं भी बहुत थक जाती हूँ। जानता हूँ पर एक चाय तो बना दे। रुक, तू ना ये सब्जी काट दे। खाना खाना है ना तो मदद करनी पड़ेगी मेरी। आखिरी बार मेरी प्रमिला से फोन पे बात हुई सर। दो दिन? आज आप फिर टिफिन ले जाना भूल गए? हाँ जानता हूँ, डोंट वरी कुछ खा लूंगा बाहर में। वैसे बनाया क्या तुमने? मटर पनीर। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं, आप तो वैसे भी बाहर खाने वाले हैं। अरे तो रात को घर पे आके खा सकता हूँ ना। अच्छा गोविंद, वो बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया तो मैं फोन रखती हूँ, उन्हें लेने जाना है। सर फिर मुझे पता चला कि प्रमिला बच्चों को लेने पहुंची नहीं थी, बच्चे वहाँ वेट करते रहे, फिर किसी पड़ोसी ने देखा तो वो बच्चों को लेके घर आए। सर वो घर आए तो देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। अंदर तो मम्मी दिख ही नहीं रही है। आंटी फोन की बेल तो जा रही है। आंटी फोन की आवाज तो अंदर से आ रही है। तो प्रमिला फोन अंदर रख के कहाँ चली गई? एक काम करते हैं, प्रमिला के हस्बैंड को फोन करके उसे इन्फॉर्म करते हैं। फिर मैं घर आया, कुछ समझ नहीं आ रहा था सर, प्रमिला अचानक से। देखिए जैसा आपने बताया कि आपकी पत्नी प्रमिला ने फोन करके आपको ये कहा कि वो बच्चों को स्कूल बस से पिक करने जा रही है, लेकिन अगर वो वहाँ नहीं गई तो और कहाँ जा सकती हैं? सर उसने फोन पे तो यही बोला था कि वो बच्चों को लेने जा रही, और वो अपना फोन घर पे क्यों छोड़ के गई? सर हो सकता है उसे लगा हो कि बच्चों को लेके वापस आना, छोड़ दिया। देखिए अगर ऐसा है तो आपकी पत्नी के साथ जो भी हुआ वो आपके घर से लेके उस रास्ते के बीच में ही हुआ जहाँ पर स्कूल बस आपके बच्चों को ड्रॉप करती है। आपके बच्चे कहाँ? अरे आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? देखो मम्मी आ जाएंगी, अगर यहाँ मन नहीं लग रहा तो हमारे घर चलो, बादल भी स्कूल से आ जाएगा, फिर खूब मस्ती करेंगे, खेलेंगे और खाना भी साथ में खाएंगे। चले, मुझे कुछ नहीं खाना। बेटा सर मैंने उस दिन दोपहर को प्रमिला को देखा था, वो कहीं बाहर जा रही थी।
तो उस दिन प्रमिला को देख के आपको लगा कि वो कुछ अपसेट है या आपको कुछ अजीब लगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि वो हर रोज बस स्टॉप जाती थी बच्चों को लेने। बेटा अब बड़े हो ना, समझदार हो, भाई को समझाओ ना। मम्मी आ जाएगी जल्दी। पापा, पापा, मम्मी कहाँ है? मम्मी आएंगी बेटा, मम्मी आ जाएंगी। आप सर, ये हमारी पड़ोसी। मैं मेघना। मैं विद्या। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप लोग? सर ये थर्ड में, ये फोर्थ में। कविन जी देखिए, आपकी पत्नी की लाश यहाँ से 10 किलोमीटर दूर सिनुजा में मिली। आपको किसी पर शक, किससे कोई झगड़ा या दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रमला जी वर्किंग थी या हाउसवाइफ? सर थी तो हाउसवाइफ, लेकिन साथ साथ में शेरुल की मेंबरशिप ले रखी थी। शेरुल मतलब? शेरुल एंटरप्राइजेस सर, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं ये लोग। तो प्रमिला आस पास पड़ोस में और रिलेशन में ये प्रोडक्ट बेचती थी। सर हमने प्रमिला के आस पड़ोस में कई लोगों से बात की, उनसे प्रमिला के पति गोविंद के एक अफेयर के बारे में पता चला। अफेयर? हाँ सर, एक्चुअली प्रमिला के पड़ोस में एक विद्या नाम की औरत भी रहती है। सर ये विद्या अभी 4 महीने पहले ही अपने पति के साथ वहाँ पर शिफ्ट हुई थी। इसका पति ऑफिस टूर पे ज्यादातर बाहर ही रहता है सर, और इस गोविंद का इस विद्या के घर में काफी आना जाना। सर गोविंद और विद्या का पक्का अफेयर था, तभी तो प्रमिला को शक था गोविंद पर। शक? सिर्फ शक ही नहीं था सर, गोविंद और प्रमिला का तो आए दिन इसी बात का झगड़ा होता रहता था। और सर प्रमिला के दोनों बच्चों को बस स्टैंड से विद्या ही घर लेकर आई। और विद्या का गोविंद से अफेयर? गोविंद ने हमें यह बताया था कि प्रमिला ने फोन पर यह कहा था कि वो बच्चों को स्कूल बस से लेने जा रहे, लेकिन हो सकता है कि प्रमिला ने गोविंद को ऐसा कुछ कहा ही ना, बल्कि इस गोविंद ने खुद प्रमिला को कहीं बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। बुलाओ इन दोनों। ओके सर। बेटा आंटी बोले कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ खा लो ना। गोविंद जी आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, और विद्या जी आपको भी। मुझे क्यों? थाने चलिए, बताते हैं। मेघना जी बच्चों का ख्याल रखना। सर आप बेवजह हम पे शक कर रहे हैं। सर हम शक नहीं कर रहे, बल्कि हम तो मान रहे हैं कि तुम दोनों ने प्रमिला का मर्डर किया। नहीं सर, हम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, इसके बच्चों को स्कूल बस से लेने तुम ही गई थी ना? हाँ सर। अब तुम बोलो, प्रमिला को कहाँ बुलाया और कहाँ उसका मर्डर किया? सर ये क्या कह रहे हैं आप? सर हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। सर सर मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, नहीं किया सर कुछ भी। सर मानते हैं हमारा रिश्ता गलत है, लेकिन प्रमिला के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। हाँ सर। बिल्कुल रद्दी माल लेकर आया तो लुधियाना से, कोई माल खरीदने को तैयार नहीं हो रहा। ऐसा करेगा ना तो धंधा चौपट हो जाना है अपना। हाँ घूर क्या रहा है, मारेगा मुझे? आराम से, आजकल ना बहुत गुस्सा आने लग गया तुझे। ठीक से रख सामान, काम में दिमाग लगता नहीं है तेरा। बस सर ये प्रमिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रमिला का मर्डर उसी शाम हो गया था जिस दिन उसके पति गोविंद ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। सर प्रमिला का भी उसके मर्डर से पहले रेप हुआ था। 3 महीने पहले हमें जिस औरत की लाश मिली उसका भी पहले रेप हुआ फिर मर्डर हुआ। यस सर, काफी कुछ सिमिलर है। काफी कुछ सिमिलर है तो रेपिस्ट का डीएनए भी सिमिलर हो। डीएनए मैच करो। ओके सर। सर जिस दौरान प्रमिला गायब हुई थी उस वक्त विद्या अपने घर पे नहीं थी और गोविंद भी अपने ऑफिस में नहीं था। इस विद्या और गोविंद की एक्टिविटी सस्पिशियस लग रही है। मजिस्ट्रेट साहब से गोविंद की डीएनए लेने की परमिशन लो। राइट सर। सर प्रमिला के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर सस्पिशियस मिला है। पिछले काफी समय से प्रमिला की शंकर नाम के एक आदमी से बातें होती थी।
लेकिन सर शंकर का नंबर अभी बंद है। कौन है शंकर? सर शंकर शेरुल एंटरप्राइजेस में एरिया मैनेजर था और प्रमिला भी पहले वहीं की मेंबर थी। यस सर, शंकर पहले हमारी कंपनी में था, उसी ने प्रमिला को हमारी कंपनी में इंट्रोड्यूस किया था, पर सर बाद में प्रमिला ने उसकी कंप्लेंट की सर। कैसी कंप्लेंट? शेरुल एंटरप्राइजेस का जो प्रोडक्ट इस बार मेरे बनाए हुए मेंबर्स को अलॉट हुआ है वो नकली है। ये आपसे किसने कहा? अरे किसने कहा, मतलब मैंने खुद चेक किया है। देखिए मैम, आप इधर आइए। मुझे कहीं आने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। शेरुल एंटरप्राइजेस का टैग उस प्रोडक्ट पे है लेकिन प्रोडक्ट नहीं। देखिए मैम, आप आराम से बात कीजिए, मैं आपको। प्रमिला की कंप्लेंट जायज थी सर, हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि सिर्फ प्रमिला नहीं, ऐसी कई और औरतों को भी चीट कर रहा था सर। एक्चुअली शंकर थोड़ा सा कैरेक्टरलेस था। थोड़ा सा मतलब? एक्चुअली ही इज अ विमनाइजर। हमारे ऑफिस में काम करने वाली और भी कई फीमेल एम्प्लॉयज ने उसकी कंप्लेंट की। हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल था तो हमें उसे जॉब से निकालना पड़ा। आपने शंकर को जॉब से कब निकाला? यही कोई 15-20 दिन पहले। उसका फ़ोन बंद है, उसका एड्रेस तो होगा आपके पास? हाँ विकास। सर शंकर के घर में ताला लगा है। आसपास में पूछा लेकिन किसी को भी नहीं मालूम कि इस वक्त कहाँ है वो। अब गोविंद और विद्या के अलावा ये शंकर भी हमारा सस्पेक्ट है। इस शंकर के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। नमस्ते जी, मैं शंकर, शुरू ब्यूटी प्रोडक्ट से। मैंने आपको कॉल किया था ना? जी जी, आइए प्लीज। थैंक यू। चाय कॉफी कुछ? नहीं नहीं शुक्रिया, आप आइए ना बैठिए, 2 मिनट में मैं आपको स्कीम समझा दूंगा। आइए पहले ना आप मेरी स्कीम सुन लीजिए। और तो बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है और आप घर बैठे बहुत पैसे कमा सकती है। पर कैसे? बहुत ही सिंपल है मैम, जैसे ही आप हमारी कंपनी की मेंबरशिप लेंगी तो आपको एक ऐसी प्रोडक्ट किट दी जाएगी और आप अपनी ही तरह बाकी लोगों को भी ये प्रोडक्ट बेच के अच्छे पैसे कमा सकोगी। और हाँ मैम, हमारे कंपनी से आपको अच्छे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और अच्छी मार्जिन भी मिलेगी। सुनो, मैंने एक बेहतरीन प्लान किया है। समर वेकेशन पे तुम दोनों को लेके शिमला चल रहे हैं घूमने, ठीक है? सबसे पहले खाना खाते हैं, खाना खाते खाते प्लान करते हैं। आ जाओ। पर पापा, मम्मी तो है ही नहीं, वो कब आएंगे? मम्मी आ जाएंगी बेटा, उससे पहले आ जाएंगी ना। झूठ बोल रहे आप, अब वो नहीं आएंगी क्योंकि आपने उनको मार डाला है। क्या बोल रही हो तुम्हें? किसने कहा तुमसे ये? सब ये कहते हैं कि आपने और विद्या आंटी ने मिलकर मम्मी को मार डाला। झूठ बोलते हैं सब बेटा, ऐसा कुछ नहीं किया। आप झूठ बोल रहे हो, अब आप हम दोनों को भी मार डालोगे ना? बेटा ऐसा मत बोलो। मुझे ऐसे बात नहीं करनी, चल माधव। तृप्ति, माधव, बेटा, तृप्ति, बेटा, बेटा दरवाजा खोलो, तृप्ति, माधव। हेलो हेलो गोविंद, तुषार बोल रहा था। मेघना माधव और तृप्ति के साथ है क्या? नहीं नहीं, तो यहाँ तो नहीं है मेघना। पता नहीं कहाँ चली गई, उसकी शॉप भी बंद है, फोन भी नहीं लग रहा उसका। गोविंद मैं माधव को थोड़ी देर तुम्हारे यहाँ छोड़ दूँ क्या? मैं उसकी मम्मी को ढूंढ लूंगा जब तक। हाँ छोड़ दो। जी आप एक काम करो, बच्चा मुझे दे दो, आप ना आराम से देखिए। लो। अच्छा जी, संभाल। डिजाइन कुछ खास नहीं है, आपके पास कोई और कलेक्शन है? जी कलेक्शन तो बहुत है मेरे पास, लेकिन वो क्या है ना, जल्दबाजी में मैं लेके नहीं आ पाई। आप ना एक काम करो, आप ना मेरे गोदाम में आ जाओ, वहां ना आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। जी
पर बहन जी आपका गोडाउन कहाँ है? आप एक काम करो, पेन और पेपर ले आओ, मैं गोडाउन का एड्रेस लिख के दे देती हूँ आपको। अभी राइट। हाँ सर, साईनगर थाने में जहाँ पर प्रमिला की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आई है। उसी थाने में प्रमिला के मोहल्ले की एक और औरत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई है। कौन औरत? सर ये मेघना बिष्ट। सर इस मेघना का प्रमिला के घर में काफी आना जाना था और ये कंप्लेंट मेघना के पति ने दर्ज करवाई है। सर साईनगर पुलिस को मालूम था कि हम प्रमिला मर्डर केस में उसके पति गोविंद पर शक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये अपडेट दिया। विकास, इस मेघना के पति से भी मिलते हैं, देखते हैं वो गोविंद के बारे में क्या कहते हैं। सर साईनगर थाने की पुलिस भी मुझसे विद्या और गोविंद के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उनको डाउट था कि प्रमिला के मर्डर में उन दोनों का हाथ हो सकता है, लेकिन मेरी बीवी को लगता था कि प्रमिला के मर्डर में गोविंद और विद्या नहीं हो सकते। आपकी बीवी मेघना के गायब होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो तो एक मामूली सी टेलरिंग शॉप चलाती थी, हमारी तो इतनी इनकम भी नहीं। ये शेरुल की ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके हैं? प्रमिला ने एक दिन अचानक मेघना को शेरुल ब्यूटी प्रोडक्ट की मेंबरशिप दिलवाई थी। मेघना मेंबर कब बने? प्रमिला के मर्डर से कुछ दिन पहले ही प्रमिला ने उसे अपने बॉस से मिलवाया था। शंकर से? शायद, लेकिन फिर पता चला कि उनके किट में सारे प्रोडक्ट फेक हैं। प्रमिला ने कहा था कि मेघना को अपने बॉस से सारे पैसे वापस दिलवा देगी, लेकिन प्रमिला हमें पैसे दिलवाती उससे पहले उसकी डेथ हो गई। मुझे लगा कि मेघना शंकर से मिलने उसके ऑफिस गई होगी, लेकिन मैंने जब वहां जाके पता किया तो पता चला कि शंकर को तो कुछ दिन पहले ही ऑफिस से निकाल दिया गया था और मेघना तो कभी ऑफिस गई नहीं थी। सर हम मानते हैं कि प्रमिला के साथ मेघना को भी शंकर ने चीट किया होगा, पर सर मेघना यहाँ कभी नहीं आए, और सर हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि शंकर को हमने जॉब से निकाल दिया था। सर पहले प्रमिला का मर्डर और अब मेघना गायब, और इन दोनों का कनेक्शन इस शेड्यूल इंटरप्राइजेस से ही जुड़ा हुआ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमिला की तरह इस मेघना को भी शंकर ने गायब किया हो? शंकर के घर पर ताला लगा हुआ है और उसका फोन बंद है, ये मेघना शंकर के टच में आई कैसे? मेघना के कॉल रिकॉर्ड निकलो, हो सकता है उसमें शंकर का कोई दूसरा नंबर। मंजू तब तक हमारे लिए एक अनजान लाश थी, और प्रमिला मर्डर केस का मंजू के केस से कोई ताल्लुक था या नहीं ये तब हम श्योर नहीं थे, और प्रमिला मर्डर केस में हमें उसके हस्बैंड गोविंद का मोटिव नजर आ रहा था, और शंकर भी प्राइम सस्पेक्ट बन के सामने आया था, और अब मेघना मिसिंग केस भी मेघना मर्डर केस में तब्दील होने वाला था। सर इस औरत की बॉडी को भी चॉप करके डंप किया गया, इसका सर भी गायब है, कहीं ये मेघना तो नहीं? तीनों मर्डर्स में मॉडस ऑपरेंडी सेम है, तो कातिल भी सेम ही होगा। प्रमिला और मेघना के मर्डर्स में ये शंकर कॉमन, तो पूरे चांसेस हैं कि जिस औरत की लाश हमें 3 महीने पहले भी इस प्राइम में मिली थी उसका कातिल भी यही शंकर होगा। सर शंकर का नेटिव एड्रेस कानपुर का है, वहाँ इसके पेरेंट्स रहते हैं, लेकिन ये काफी टाइम से कानपुर गए नहीं, लेकिन कानपुर पुलिस की इसके पेरेंट्स पे नजर है। इस शंकर का मिलना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि किसी और औरत को अपना टारगेट बनाए, वी हैव टू कैच हिम। राइट सर। तुम बहुत मजाक किया। वैसे मुझे तुम्हारी स्किन पसंद है। और मैं क्या? अरे मजाक कर रहा था यार। वैसे अब तुम घर बैठे लाखों कमा सकती हो, क्योंकि अब तुम हमारी स्पेशल मेंबर भी बन गई हो, और स्पेशल मेंबर के लिए स्पेशल गिफ्ट। गिफ्ट मेरे लिए? सर इस मेघना के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो शंकर से कनेक्टेड हो, लेकिन सर जिस समय मेघना का फोन रानीगंज मार्केट में बंद हुआ उस समय गोविंद का फोन भी वहां पर एक्टिव था। दीदी पापा झूठ नहीं बोल रहे, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, और अब बिना वजह
ले चलो इनको। लेकिन चलिए मेरी बात सुनिए सर। चलिए चलिए। पापा। देखिए मेरी बात। पापा। पापा। अंकल, अंकल कहाँ ले जा रहे हो मेरे पापा को? पापा, पापा झूठे हैं। पापा नहीं मम्मी को मार रहे हैं। अरे मैं कुछ नहीं किया यार, आप लोग बार बार पकड़ लेते हो सर, समझते क्यों नहीं आप लोग? पहले तू हमें समझा। प्रमिला को तुमने मारा विद्या के लिए, लेकिन मेघना को मारने के पीछे तेरा मोटिव क्या था? सर मैं बार बार कह रहा हूँ, ना मैंने मेघना को मारा ना प्रमिला को मारा, सर आप कैसी बात कर रहे हैं? जिस दिन मेघना का फोन रानीगंज में स्विच ऑफ हुआ उस दिन तेरा फोन वहीं एक्टिव था, अब ये महज इतना फर्क तो नहीं हो सकता? सर मैं रानीगंज मार्केट गया था, लेकिन मैंने रानीगंज मार्केट क्यों गया था? सर मुझे मेघना पे शक था इसलिए मैंने सोचा कि कहानी मत सुना, मैं सच कह रहा हूँ। सर मुझे मालूम था कि मेरी पत्नी प्रमिला ने मेघना को अपना सूट सिलने के लिए दिया है, तो मुझे लगा जिस दिन वो गायब हुई है उस दिन उसकी दुकान पे जरूर गई होगी, और मैंने मेघना से बात भी की। सर मेघना जी, प्रमिला ने बताया था कि आपके यहाँ उसने सूट सिलने के लिए दिया था, तो आखिरी बार जब बच्चों को लेने आई होगी तो आपकी दुकान पे तो जरूर आई होगी। आप नहीं गोविंद भैया, वो मेरे पास नहीं आई थी, अगर वो आई होती तो मैं आपको पहले बता देती। लेकिन आपको मुझे लेट हो रहा है, मैं भी चलती हूँ। सर मुझे लगा मेघना झूठ बोल रही है तो मैं उस पर नजर रखने लगा और उसका पीछा करते हुए रानीगंज मार्केट गया था मैं। सर मुझे लगता है मेघना को पता चल गया था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए वो मार्केट में चालाकी से गायब हो गई। सर चालाकी तो कर रहा है, बोल मेघना और प्रमिला को मारने के पीछे की असली कहानी क्या है? और विद्या को इसलिए फंसा रहा था ना ताकि पहले उसका रेप करे फिर मर्डर? सर क्या कह रहे हैं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। सर तेरी डीएनए रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि तूने मेघना का रेप भी किया। सर जन्म दिन सर मेरी बात का हम यही अंदाजा लगा रहे थे कि बाकी विक्टिम्स की तरह मेघना का भी रेप हुआ होगा, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हमारे इस अंदाजे को गलत साबित कर दिया। मेघना का रेप नहीं हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें उलझा रही थी क्योंकि मेघना का कत्ल बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे मंजू और प्रमिला का हुआ था, और उन दोनों का रेप भी हुआ था। उन दोनों की बॉडी पर मिला डीएनए रेपिस्ट के डीएनए से मैच हो गया था, और शक की बुनियाद पर हम गोविंद के डीएनए को उस डीएनए से मैच करवा रहे। शंकर की तलाश अब भी जारी थी क्योंकि शंकर का कनेक्शन मेघना और प्रमिला दोनों से नजर आ रहा था। हम मेघना और प्रमिला से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात पता करने में लगे हुए थे, और इसी तफ्तीश के दौरान हमारी नजर में दो सस्पेक्ट आए। सर प्रमिला के घर में एक औरत आती थी जो छोटे बच्चों के कपड़े दिखाती थी यहाँ पे, और साथ में उसका पति भी आता था टेम्पो में, पर प्रमिला के मर्डर के बाद वो दोनों अचानक आना बंद कर दिया। लाश के टुकड़ों को 4 से 6 साल के बच्चों के कपड़ों में छुपाया गया। अच्छा कौन थी वो औरत, कुछ मालूम है तुम्हें? सर वो बोलती थी कि लुधियाना में किसी फैक्ट्री से वो सामान उठाती है और इधर लाके बेचती है। सर जो औरत प्रमिला और मेघना के घर बच्चों के कपड़े बेचने जाती थी उसका पता चल गया, चित्रा नाम है उसका और उसके पति का नाम है नवीन। सर ये दोनों हस्बैंड वाइफ आसपास की कॉलोनियों में डोर टू डोर जाकर कपड़े बेचते हैं। चित्रा और नवीन रहते कहाँ? सर ये लोग मुकुंद नगर में रहते हैं, ये मुकुंद नगर रानीगंज के पास ही पड़ता है जहाँ पर मेघना का फोन बंद हुआ था। मिलते हैं इसमें बीवी से। जी जी बोलिए। चित्रा जी चेक करो सब्जेक्ट। अरे सर ये सब आप क्या कर रहे हैं? चेक कर। अरे मेरे घर में इस तरीके से छानबीन क्यों कर रहे हैं सर? अभी पता चला। सुना तो डोर टू डोर जाकर डिलीवरी नहीं करती, कस्टमर को अपने डोर तक भी बुलाती, कितनी औरतों को बुलाया अभी तक? सर ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा। ये कपड़े तो नहीं बेचे हैं? नहीं सर ये कपड़े मैंने किसी को नहीं बेचे जी। अच्छा तब तो तू इस आदमी को नहीं जानती होगी? नहीं सर मैं इस आदमी को भी नहीं जानती। तेरा पति कहाँ? जी वो तो लुधियाना गया हुआ है। झूठ बोलती है? मैडम जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। पति का फोन नंबर और टेम्पो का नंबर बोल। ठीक है सर जी। सर चित्रा के पति नवीन का नंबर अभी रानीगंज में एक्टिव है, और उसकी बीवी बोली थी वो लुधियाना गया, उसके फोन की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहो और बोलो तुरंत मेरे फोन पे भेजे। सर
भाभी। जी साहब बोलिए। देखिए ये देखिए सर, ये बच्चा कहां से आया साहब? मुझे नहीं पता है बच्चा मेरे टेम्पो में कैसे आया साहब। तो औरतों का रेप और कत्ल करने के साथ साथ बच्चे भी चुरा के बेचता है साहब? मैं सच बोलता हूँ, पता नहीं बच्चा कैसे आया टेम्पो में साहब। साहब यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू जो करता तेरी बीवी भी जानती है ना? सीधा सीधा बोल वरना उधेड़ के रख देंगे। सर मैं लुधियाना जा रहा था, वो रानीगंज मार्केट से गारमेंट वाले का पेमेंट उठाना था, इसलिए मैं वहां रुक गया। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। ऐसे नहीं माने, उधेड़ ऐसे बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। ठीक सर, इस नवीन को बहुत तोड़ा है लेकिन वो किसी भी मर्डर में अपना हाथ होने से इनकार कर रहा है, और मैंने कंफर्म किया कि वो आज वाकई में रानीगंज के गारमेंट शॉप से अपना पेमेंट लेने गया था। मुझे सर नवीन की बीवी चित्रा ने उस बच्चे को आइडेंटिफाई किया है जो उनके टेम्पो में मिला था। उसने बताया कि वो बच्चा उसके एक कस्टमर अनुषा का है। लेकिन सर चित्रा इस बात से खुद हैरान है कि बच्चा उसके पति नवीन के टेम्पो में कैसे पहुंचा। अनुषा, पता करो ये अनुषा कहां रहती। सर अनुषा विधवा है, यहाँ अपने बच्चे के साथ अकेली रहती है। अच्छा कहाँ गई है ये अभी कुछ मालूम है तुम्हें? 3-4 घंटे पहले मैंने उसे किसी आदमी के साथ जाते देखा था। कौन था वो आदमी जानती हो उसे? चेहरा तो याद नहीं पर उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसे कोई जबरदस्ती ले जा रहा है। वो खुद उस आदमी के साथ गई थी। अच्छा इस अनुषा का नंबर है तुम्हारे पास? सर अनुषा का फोन भी रानीगंज मार्केट में बंद हुआ था। रानीगंज, और रानीगंज से हमने नवीन को पकड़ा था बच्चे के साथ। सर ये नवीन अभी भी कुछ नहीं उगल रहा है, और मैंने कंफर्म किया कि ये अनुषा के घर के बाहर देखा ही नहीं गया है। सर हो सकता है ये अनुषा किसी और के साथ मार्केट गई हो। शंकर, हो सकता है ये नवीन शंकर को जानता, और अनुषा का बच्चा शंकर ने नवीन को दिया। साहब मैं शंकर को नहीं जानता, पता नहीं वो बच्चा मेरे टेम्पो में कैसे आया। सर शंकर के पेरेंट्स का नंबर हमारी सर्वेलेंस पे था। सर शंकर के पेरेंट्स के नंबर पे इस नंबर से फोन आया था। जब इस नंबर के बारे में पता किया तो पता चला कि ये शंकर का ही दूसरा नंबर है जो आगरा के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर ये नंबर को ट्रेस कर लिया गया है, इस वक्त लखनऊ में एक्टिव है। शंकर कहाँ? क्या बात है सर? चेक करो। अरे बात क्या है? अंदर चेक करो। सब जगह चेक करो। क्या कर रहे हैं ये? सर मैं मानता हूँ कि मैंने कई औरतों को चीट किया है, और प्रमिला जैसी कई औरतों को मुझसे प्रॉब्लम भी थी सर, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया सर। तो फिर इतने दिनों से गायब क्यों था? सर मैंने फ्रॉड किया था इसलिए गायब हो गया था। ये ऐसे नहीं मानेगा, प्लीज कंटिन्यू बोल। तृप्ति बेटा चुपचाप क्यों बैठी हो? पापा ने आज तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। तुम चाहती थी ना कि तुम भी मम्मी की तरह मेहंदी लगाओ। देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए, ये देखो। और इतनी प्रैक्टिस की है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें भी मम्मी की तरह बिल्कुल राज। पापा, दीदी आप पर ट्रस्ट नहीं करती, मैं करता हूँ ना, आप मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगाने के बाद पापा मम्मी की तरह तेरी भी हाथ काट देंगे। तृप्ति दरवाजा खोलो। तृप्ति सर, जिस दौरान अनुषा का फोन रानीगंज मार्केट में बंद हुआ उस समय शंकर रानीगंज में था ही नहीं, और ये भी नवीन की तरह बार बार यही बोल रहा है कि इसका किसी भी मर्डर में हाथ नहीं है। और सर नवीन और चित्रा के घर में भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिससे लगे कि वहां पर कोई मर्डर हुआ है। मेघना का फोन भी रानीगंज में ही बंद हुआ था और उसकी लाश मिली। अनुषा का फोन भी रानीगंज में ही बंद हुआ, अनुषा गायब होगी, और इसका बच्चा हमें मिला रानीगंज में ही नवीन के टेम्पो में। और जिस पार्क में हमें औरत की कटी हुई लाश प्रेम में मिली थी
वो पार्क भी रानीगंज में ही है और प्रमिला जाने से पहले अपना फोन घर पर छोड़ के गई थी। तो हो सकता है शायद प्रमिला भी रानीगंज में कहीं गई हो। तो रानीगंज में ऐसा कोई ठिकाना है जहां पर्पसली इन औरतों को पहले बुलाया जाता है, फिर रेप किया जाता है और उसके बाद उनका मर्डर। पर सर रानीगंज काफी बड़ा एरिया है, वो कहां जाती थी ये पता करना आसान नहीं होगा। पर पता करना तो है ना। रानीगंज में जहां जहां सीसीटीवी है सब जगह की सीसीटीवी फुटेज निकालो, उसे खंगालो, खासकर उस वक्त की जब हमें इस औरत की कटी हुई लाश वहां मिली थी। हो सकता है इससे हमें इस औरत की पहचान मिले और हम कातिल तक पहुंच जाए। हम अब भी ऐसी कई कोशिशें कर रहे थे जिनको अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन इन कोशिशों के कुछ नतीजे हमारी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। प्रमिला की हत्या वाले दिन वो रानीगंज मार्केट के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी और मेघना उसी मार्केट के दूसरे सीसीटीवी में, ये देखिए सर। लेकिन इसके बाद ये लोग कहाँ गए होंगे इसका पता नहीं चलता। रानीगंज में उस क्राइम सीन तक पहुंचने के लिए अभी हमें और हाथ पैर मारने थे, और जब हमने रानीगंज का 3 महीने पुराना डंप डाटा स्टडी किया तो हमें उस मंजू की पहचान भी मिल गई जिसका कत्ल 3 महीने पहले हुआ था। सर हमने रानीगंज मार्केट का 3 महीने पहले का डंप डेटा स्टडी किया, उसमें 5 नंबर ऐसे मिले जो अभी बंद है, जिसमें से 4 नंबर मेल के नाम पर रजिस्टर्ड है और 1 नंबर इस मंजू शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर इस मंजू की उम्र लगभग 26 साल की है और जिस औरत की लाश हमें 3 महीने पहले मिली थी उसकी उम्र भी 25 से 28 साल के बीच की थी। पर ये नंबर तो मथुरा के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। राइट सर, लेकिन इस मंजू का लखनऊ में भी आना जाना था और सर मेघना के कॉल रिकॉर्ड में भी मंजू का नंबर मिला है। मेघना तुषार की बीवी? हाँ सर, और ये भी पता चला है कि तुषार ने एक गोडाउन रेंट पे ले रखा है जो रानीगंज में है, ये वहाँ का एड्रेस है सर। साला सारा कसूर मेरी खोपड़ी का है, सेक्स के सिवाय मुझे कुछ दिखता ही नहीं। बागपत में इसी आदत ने 2 औरतों को मरवा दिया था मुझसे। मेघना को मुझ पे शक होने लगा तो मैंने उसे ऐसा घुमाया कि वो मुझ पे विश्वास करने लगी और मेरे साथ यहाँ लखनऊ शिफ्ट हो गई। यहाँ पर उसने सिलाई की दुकान खोली और रानीगंज में गोडाउन भी ले लिया। मंजू मेघना की कजन थी और जब मंजू यहाँ से मथुरा वापस लौट रही थी तो वो मेरा पहला टारगेट बन गई। आओ बैठो, मैं छोड़ देता, मुझे सिर्फ 2 मिनट का काम है, फिर मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ दूंगा। ठीक है। एक काम करो ना, तुम भी अंदर ही आ जाओ। उस दिन मैं पार्क के पीछे वाले तालाब में मंजू की लाश को फेंकने जा रहा था, लेकिन पार्क में एंटी रोमियो स्कोर का छापा पड़ा था, इसीलिए मैं डर के प्रेम पार्क में छोड़ के चला गया था। और फिर मंजू के बाद प्रमिला। तुषार भैया मेघना? प्रमिला, मेघना तो रानीगंज गई है। रानीगंज? रानीगंज में हमारा एक गोडाउन है, तुम्हारा सूट भी शायद वहीं सिल के रखा हो, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। मंजू और प्रमिला के मर्डर के बाद मेघना को मुझ पे शक होने लगा, इसलिए मुझे उसे भी रास्ते से हटाना पड़ा। इसलिए बहाने से मैंने उसे गोडाउन पे बुलाया और फिर मेघना के मर्डर के बाद मैं डर गया था कि मैं फंस जाऊंगा, इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने एक तरफ शंकर का नाम लिया, दूसरी तरफ मैं नवीन और चित्रा के लिए गड्ढे खोदा था। पहले भी मैंने उन्हें रानीगंज में देखा था, उनका घर गोडाउन के बिल्कुल नजदीक था, और फिर एक दिन मैंने प्रमिला के घर उनको देखा। मैं अगला टारगेट अनुषा को बनाने वाला था और फिर उसके घर के बाहर भी नवीन और चित्रा को देखा। मैंने सोचा कि अगर मैं अनुषा के साथ कुछ भी करता तो नवीन और चित्रा को फंसा के खुद को बचा सकता, इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ मैं अनुषा के घर पहुंचा। जी बोलिए। आप चित्रा के गोडाउन में कपड़े देखने के लिए आने वाले थे ना? हाँ। लुधियाना से नया स्टॉक आ गया। मैं अनुषा को बहाने से गोडाउन में ले गया, पहले रेप किया और फिर मर्डर करके उसके शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया। मैं उसकी बॉडी को ठिकाने लगा था उससे पहले ही तुषार एक के बाद एक जुर्म किया जा रहा था, और हैरान करने वाली बात यह थी कि तुषार की पत्नी मेघना को अपने पति के इन जुर्मों की हर मोड़ पर दस्तक मिल रही थी, लेकिन उसने इस दस्तक को नजरअंदाज की। उसकी कजन मंजू पिछले 3 महीने से गायब थी और उसे यह भी अंदाजा था कि हो सकता है मंजू का कत्ल उसके पति तुषार ने किया, लेकिन फिर भी उसने इस बारे में पुलिस को कुछ नहीं कहा, जिसका नतीजा ये निकला कि मंजू और प्रमिला के कत्ल के बाद तुषार का वो घिनौना राज मेघना के कत्ल की दस्तक बन गया। अनुषा ने एक अजनबी की बात पर भरोसा किया
वो उस जुर्म की दस्तक को महसूस ही नहीं कर पाई और नतीजा ये हुआ कि उसका बच्चा अनाथ हो गया। कोई भी जुर्म होने से पहले दस्तक जरूर देता है, इस दस्तक को सुनिए और किसी भी जुर्म को होने से पहले उसे रोकिए। अब मैं आदिल खान आपसे इजाज़त लेता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, मकसद बताना नहीं बचाना है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।